क्योंकि अब हम लोगों को दूसरे होटल जाना है। एंड मेरा ड्रेस दिखाती हूँ, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, बहुत मतलब इसका कपड़ा वपड़ा बड़ा अच्छा सा है। कुछ मेकअप वेकअप कर भी नहीं रहे यहाँ पे, इतनी गर्मी, इतना चिटचिट है, कौन किसी मेकअप करने का मन ही नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु यीशु, अरे यार ये तो बढ़िया जगह लग रही है, ये लग रहा है वेकेशन पे आए हैं। बाथरूम, ये बाथरूम है, हो व्हाट अ बाथरूम। यार जितना बड़ा कमरा उतना बड़ा बाथरूम है। इसके इसके बाथरूम में हम लोग सारे लोग एडजस्ट हो गए। जितना बड़ा रूम है उतना बड़ा बाथरूम है। चुग्गू मम्मी के पास, पूल के पास बैठ के तुम लोग अभी जो पानी में जाने का कह रहे हो ना, टैन हो जाओगे। बाप रे, बच गए। मजा आ रही है, मजा आ रही है क्या? हम लोग शाम से ही यहाँ बाहर आकर के बैठे हुए हैं और आज वेदर बहुत अच्छा है, अच्छी हल्की हल्की हवा चल रही है और वो चिपचिप नहीं है, तो हम लोग शाम से ही यहाँ पे बाहर आकर के बैठे हुए हैं। और पास में मंदिर है, वहाँ कोई पूजा हो रही है तो बहुत आवाज़ हो रहा है, वहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं और यहाँ पे भी हल्का हल्का म्यूज़िक बज रहा है। बेसिकली हम लोगों को वो जो वो वाली प्रॉपर्टी थी, जब हम लोग वहाँ से बुक कर रहे थे, जब तक हम लोग अपने घर पे थे, बुक किए थे, तो हमको लग रहा था वाह वो क्या प्रॉपर्टी है वो वाली, जो अच्छी भी थी, मतलब उसमें सिर्फ एक बात अच्छी थी कि वहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था और प्रॉपर्टी वॉज क्या ही बताएं, मतलब उनके रूम में फ्रिज नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल फैन नहीं था, एसी बस था, मतलब फ़ैन की भी ज़रूरत पड़ती है भाई, सिर्फ एसी से काम नहीं चलेगा, फ़ैन भी होना ही चाहिए था। एक रूम में, तीन में से एक रूम में उन्होंने वो दिया था, वो स्टैंडिंग वाला फ़ैन नहीं होता है, वो वाला वो फ़ैन था। और तो वहाँ उस प्रॉपर्टी में ना माइनस बहुत ज़्यादा थे, प्लस कम था, इस प्रॉपर्टी में प्लस ज़्यादा है, माइनस अभी थोड़ा कम लग रहा है। खैर ओवरऑल चीज़ तो जब पूरा स्टे हो जाएगा तभी पता चलेगा, लेकिन अभी तक जितना था, और खाना भी अच्छा था इनका और प्रॉपर्टी इनकी बहुत अच्छी, रूम्स क्या स्पेशियस है, कितने बड़े बड़े बाथरूम हैं, मतलब यहाँ पे आके फैल फैल के रह पा रहा है वहाँ पे, मतलब उसका उसका भी रूम का साइज़ डिसेंट था, बट दिस इज़ अ मच बेटर प्रॉपर्टी। अगर आप लोग आना है तो आप लोग ये एक्सप्लोर कर सकते हो। और अभी जैसे कि हाई टाइड का समय हो गया और आज फुल मून है, तो ये दिन में जो थोड़ा सा एक पैच खाली था पानी का, अभी पूरा सब पूरा भर चुका है पानी से, यहाँ से वहाँ तक पूरा सामने पूरा समुद्र तक पूरा अच्छे से पानी भर चुका है, तो अच्छा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वहाँ पे तो बाहर बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि आई थिंक जब आप सी के बहुत ज़्यादा करीब होते हो तो वो ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा उमस होता है वहाँ पे, यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर है वेदर। यहाँ पे ना पूजा में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मम्मी बाबू को अंदर लेके गई हैं, वो सोना चाह रहा था और यहाँ पे वो सो नहीं पा रहा था, तो बहुत रो रहा था, खैर सो तो अंदर भी नहीं रहा है, टीवी देख रहा है इधर उधर। बाकी जनता यहाँ बैठी है, पापा अपना फ़ोन में न्यूज़ सुन रहे हैं, बाकी तीन लोग अपना फ़ोन चला रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं बेतुल बीच, और हम लोग सवेरे यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हमारे रूम के जस्ट यहाँ पे सामने रेस्टोरेंट था इनका, तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग जा रहे हैं बीच पे, और फिर वहाँ से आने के बाद हो सकता है पूल वूल में जाएं, फिर आफ्टरनून में रेस्ट करेंगे, फिर शाम में देखेंगे कि क्या करना है, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है शाम में हम लोग बाज़ार निकलें, तो यहाँ का थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर कर लेंगे। ये चश्मा ज़्यादा सूट कर रहा है, सोनल चश्मा लाई है भर के।
हम लोग बदल बदल के लगा रहे चश्मा, और जो हमने अपना चश्मा जो लेके आए वो अभी तक निकला ही नहीं है, बैग में पड़ा हुआ है। सोना का चश्मा इधर उधर से लगा रहे हम। चलो अब सब लोग गाड़ी में ठुस जाओ, भर जाओ भर जाओ। तुमने वाइट पहना ना इसके? यस, मेरे कपड़े से मैच कर रहा है। हम भी कैमरे में आएंगे। ये भी आई विल आल्सो कम इन कैमरा। देखिए ये है एंट्रेंस बेतुल बीच का, आराम से। बाबू का पैंट उतार दिए वरना वो परेशान होता, क्योंकि हल्की हल्की धूप है, गर्मी तो है मतलब, लेकिन फिर भी बाकी दो तीन दिन जैसा मौसम था उससे तो अभी बहुत फार बेटर है। और स्पेशली हम लोग जिस प्रॉपर्टी में रुके हैं वहाँ पे एक बार भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा बात है क्योंकि गर्मी है। और हम लोग आ गए हैं बेतुल बीच। यहाँ पे रिवर ओशन से मिलता है तो बहुत ही अच्छा बीच है ये, मस्त मज़ेदार सुंदर लग रहा है यार। वाह यार, हम ड्रोन लाना भूल गए अपना, हमको इतना अफसोस हो रहा है, भूल ही गए एकदम, दिमाग से निकल गया। सच अ नाइस बीच, वो देखो। तैयार हो जाओ चाहे कुछ भी करके आओ, इफ़ यू आर अ मॉम देन सी। बच्चे पैंट ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिप्स हैं ओशन में, मछली पकड़ने वाली बोट्स होंगी आई थिंक। यहाँ बीच पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है बीच पे। तो पैंट टांग दिए यहाँ सागर लेके गया बच्चे को वहां। चलो आप स्विमिंग सिखाओ। अरे हमको धकेल दिया ये आदमी। अब हम जाएंगे उल्टा ऐसे, ओके? हाँ